पार्टी के पांचवें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भिवाड़ी के मेला ग्राउंड में आज आपको आमंत्रित करने पहुंचे विधानसभा के सदस्य मेरे साथ अमरजीत झाड़ा जी, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भाई पवन जी, बहुत ही कर्मठ जिला अध्यक्ष कृष्ण राठी जी, अल्पा के आपके अध्यक्ष निया सिंह जी, सुरेंद्र जी हमारे दोस्त आते भगवान जी, रघुवीर जी सरपंच साहब, तमाम गणमान्य व्यक्तिगण, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहने, युवा साथी, हर संगठन के लिए महत्वपूर्ण होता है कि नए जन मुकाम पर वो पहुंचता है और 5 साल पूरा करना, 4 साल पूरा करना और 5वें स्थापना दिवस में जाना हमारे लिए भी सौभाग्यपूर्ण। आपके गीत को पांडव पिंडारा की पावन धरा से जब शुरुआत करी तो बहुत से लोग क्या करते थे, पार्टी खत्म हो जाएगी, ये तो छोड़ो का टोल है, मगर आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं की बदौलत था कि हमने उस मेहनत लगन के साथ 11 महीनों में पार्टी को इतना मजबूत किया। जी दुख चुनाव भी हम मजबूती से लड़े रहेंगे, लोकसभा चुनाव भी लड़े रहेंगे, मगर हौसला नहीं रुका और साथियों विधानसभा के अंदर पार्टी ने 90 में से 10 विधानसभा की सीटें जीती और पिछले 3 साल से परिस्थिति करो प्रतिबंध लगा दिया और कोरोना काल के बाद भी 1 साल किसान आंदोलन की वजह से भी कि हमारा भाईचारा ना बिगड़े अपनी दूरियां रहे, मगर आप लोगों ने काम नहीं छोड़ा, पार्टी ने जहां जिम्मेवारी लगाई निष्ठा लगन के साथ उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया और जो भी संगठन की तरफ से सदस्यता अभियान चलाया गया, बूथ पे अभियान चलाया गया, आप लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ उसको पूरा किया, पार्टी में नए लोगों को जोड़ने का काम किया। अभी आ रहे थे मिया सिंह जी बता रहे थे, कहते ऐसे ऐसे लोग जब चौटाला साहब भी चुनाव लड़े नहीं आए, वो लोग आज हमारे साथ इतने उत्साह के साथ जोड़ रहे हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि जो पार्टी इस सरकार में रहकर गठबंधन में रहकर जनहित के जो काम किए आज लोगों के प्रति, लोगों को उसका लाभ हुआ और पार्टी के प्रति लोगों ने कहना है उसको अच्छा माना। मैं तो एक चीज आपको बता सकता हूँ, मंडियों की हालात वो दिन भी आज धनी मरवाड़ा मंडी ने दो दो दिन में किसान का सफर लगा था, अनाज के ऊपर इस बार जीडीपी खरीद हुई है, किसी को दिक्कत नहीं होगा, किसान मिलेंगे और 22,000 करोड़
पहले डीए बैसी बिल बनाता था, शरारती के पास पैसा था, आरोपी भी बनाता था, फिर किसान को एक भी 10 किस्तों में पैसा देता था। अरे भाई थम जाता हूँ, आज तो मोबाइल पे मैसेज आता है कि 3 लाख रुपए किसान के खाते में। तेरे लिए सुनाओ, मैं तो एक चीज जरूर बोलूंगा कि भाई पानी की बोतल दिखा रहा था, पानी की बोतल इमीडिएटली चेक भी कराना कि कारण क्या है। पाइपलाइन डैमेज है जी, पाइपलाइन और इसको दुरुस्त भी कराएंगे। संसद साहब की भी जिम्मेवारी लेता हूँ, नई काम में आपको जिम्मेवारी दी है, इसको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से दुरुस्त कराने का अपन काम करेंगे। चार पांच सम्मिलित मामले आए हैं, एक तो गांव में डिजिटल लाइब्रेरी, मेरे ख्याल से करवाड़ा एक होता ऐसा हल्का जिसमें हरियाणा से सबसे ज्यादा लाइब्रेरियां बनी, मगर आपने रखी है और हमारा भी प्रयास है तो हम तुरंत प्रभाव से 1000 गांव के अंदर डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ करें। रेजोल्यूशन कहाँ बनाना चाहते हो, क्या सचिवालय में और कोई जगह, तुरंत पारित करके ग्राम सभा के पोर्टल पर डलवाना चाहता है। एक में जब आया तो आपके नेशनल हाईवे के कट की समस्या थी और समस्या जाहिर है पर उस समय पुल बन जाता, मगर गांव वालों ने धरना दे दिया कि पुल बनाना पर हम एक्सीडेंट होते हैं और हमने तो प्रयास किया है कि जितने ऐसी जगह है जहां पर एक्सीडेंट हुए उनको हम व्हीकल अंडरपास बनाकर छोटा छोटा बनाकर अभी पीछे भी मैंने डीपी दी थी, 5 तो गांव ऐसे थे उसमें 2 तो निर्माणा के, एक तो सच्चा गिना अभी आया वहां से, अच्छा गुलाबपुर डोमरा था, सारे के सारे काम वाले धंधे थे, मैं बिल्कुल मिल जाए गाँव मिल जाए, अब छुट्टी गाँव में हो गया, बच्चे पुल बनवा के प्रचार में जाए। और अभी मियाँ सिंह जी कह रहे थे कट बनवा दो, पुल के ऊपर से 120 की स्पीड से गाड़ी आएगी, कट पर तो ब्रेक नहीं मार पाएगी, अगर इसके ऊपर अगर अंडरपास बन जाएगा तो कहीं ना कहीं व्यवस्थित ढंग से साधन भी दोनों तरफ के आ जा पाएंगे और दूसरा उसका लाभ गाँव वालों को। एक साथियों के सड़क की मांग करी थी यहां से लेके और अमृतसर आ रहा है, वो मार्केटिंग बोर्ड की है, मार्केट बोर्ड की है, मैं चेक कर रहा हूँ। साथियों ये तो गांव के काम तो सरकार ने कराए है, अभी ये सिंह जी कह रहे थे कि ग्रांट खोल के देते, मांगनी है बड़ा गांव का है वो अपलोड कर सकता है अपनी मांग में, जैसे युवा साथी ने कहा स्टेडियम दे दे। हाँ जी हाँ जी, अब स्टेडियम के लिए 6.5 रेजोल्यूशन कराओ, पंचायत भी कराए दक्षिण कराओ, मतलब सेंटर कराओ और रेजोल्यूशन करा के उसको कहाँ है गांव को कितना लाभ मिलेगा उस प्रपोजल को पढ़ाओ और ग्राम दर्शन पोर्टल पर अनुरोध करो, मेरे पास हिस्से आते थे मैं उसको मंजूरी दे दूंगा, एस्टिमेट बनेगा और ड्यू डिलिजेंस के साथ ये तो काम है मौत के बाद के, अब तो सारे ही काम पे आए। अगर मियां सिंह जी के मैंने बोला मैं तो 50-100% में भिजवा दूंगा जरूर, जिसकी ड्यूटी लगाई लगातार लगेगी, मियां सिंह कहते 50 दे दो, 50 की जरूरत पूरी तो मार लेंगे। अब नरवाड़ा वालों के भी कमी पड़ रही है तो हैरानी की चीज है, 9 तारीख और समय में पहुंच गई है, सारे गाड़ी पहुंच के पार्टी संकल्प की ताकत को दिखाने के काम कर, यही आपके अपील करने आया था, आप सदाए गांव में आने को मान सम्मान दिया इसके लिए।